and age is 31 years, and is 26 अप्रैल 2020। समाधान जी अपने बारे में बताइए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कहाँ से हैं आप? सर, मैं बॉम्बे से हूँ। मेरा नाम समरन महाजन है और मेरी उम्र 31 इयर्स हो रही है। मुझे हाइपिस वॉइस का प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर फोनिया, और ये करीब 10 साल से मुझे प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ। और ये ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे में दो तीन हॉस्पिटल में भी ली थी। एक हॉस्पिटल में तो मैंने 6 महीने तक उसका थेरेपी का प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन मेरे आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि जो पहले थे वो इसलिए आज ही है। और एक डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला भी था, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के उसको मुझे यानी कि नहीं बोला मैंने उनको। मुझे अक्सर प्रॉब्लम यह है कि सर, मुझे जो फोन पे बात करता हूँ तो मैं दूसरों को लड़की की आवाज़ समझ बैठते है, तो उससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। अगर थैंक यू, आपने हम पे भरोसा किया और आप मुंबई में हैं और मैं बैंगलोर में हूँ। हम लोग इस प्रॉब्लम को जरूर ठीक करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बिफोर वॉचिंग द पोस्ट थेरेपी वीडियो, देयर इज अ मैसेज फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्विच ऑन द बेल आइकॉन। This is the post-therapy video of Samadhan Mahajan, and today date is 5th May 2020. Samadhan, बताइए treatment के बाद कैसा लग रहा है और क्या problem face कर रहे थे? ना सर, मुझे treatment के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हो गया हूँ। और मुझे problem ऐसा था कि फीवर को मैं की वजह से मैं जो भी फोन पे बात करता था तो मेरी फीमेल वाइस आवाज लोगों को वो सुन बैठते थे, यानी कि मैं फीमेल ही बोल रहा हूँ ऐसा वो सुन बैठते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैंने फोन भी किया मेरे फ्रेंड लोगों को, उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बाद में उसको बताया कि मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा। अच्छा। और इसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे भी लिया था बॉम्बे में, लेकिन उसका मुझे कोई इतना बेनिफिट नहीं हुआ जो मैंने थेरेपी ली थी 6 मंथ तक। अच्छा, कितने दिन लिया था? 6 मंथ तक मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था थेरेपी का, वॉइस पीस थेरेपी का, लेकिन उसका कुछ फायदा भी नहीं हुआ। और एक जो डॉक्टर थे उसने तो मुझे ऑपरेशन के लिए एडवाइस दी थी कि ऑपरेशन करो। यहाँ पे अवेयरनेस के लिए ऐड करना चाहूंगा कि कई बार पेशेंट होते हैं वॉइस थेरेपी के लिए जाते हैं कुछ स्पीच थेरेपिस्ट के पास, फायदा नहीं हुआ तो इमिडिएटली लोग कंक्लूजन पे निकल जाते हैं कि चलो अब सर्जरी करा लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की वॉइस प्रॉब्लम है बहुत ही रेयर है, तो हो सकता है कि आपके जो थेरेपिस्ट हैं उनकी एक्सपर्टीज किसी दूसरे एरिया में रही हो, इस एरिया में ना हो करके, और शायद इससे फायदा नहीं मिला। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनकी एक्सपर्टीज इस पर्टिकुलर एरिया में हो, वॉइस थेरेपी के क्षेत्र में, और तब फायदा नहीं होता है तब आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वॉइस थेरेपी से आप देख सकते हैं कि हमने 26 को स्टार्ट किया था, 26 अप्रैल को, और 5th में आज है, तो इतना जल्दी अच्छे चेंजेस हो गए हैं। और नहीं तो अगर आम आदमी ऐसे सोचे कि वॉइस थेरेपी से फायदा नहीं हुआ तो चलो सर्जरी करा लेते हैं, तो सर्जरी में थोड़े बहुत रिस्क हमेशा रहता है, और इवन जब सर्जरी कराते हैं तो वॉइस थेरेपी चाहिए ही, तो क्यों ना पहले वॉइस थेरेपी करा लें, जब नहीं हो तब फिर आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने स्काइप ही क्यों चुना, ऑनलाइन ही क्यों चुना? सर, मैंने पहले आपके वीडियो देखे थे और ये लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर तक मुझे भी टाइम था, और आपने भी यूट्यूब पे जो लॉकडाउन के साथ में जो अपने पेशेंट कवर किए उसको ठीक किया, उसको देख के मैं भी ज्यादा मोटिवेशन हो गया और मुझे करना ही था, तो मैंने ऐसा समझा कि गोल्डन चांस है और मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आप मराठे में भी बता दीजिए यही चीज, ताकि लोगों को भी समझ में आ सके क्या प्रॉब्लम थी और कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद। मैं समाधान महाजन मुंबई इथून मी बोलतो आहे, माझे वय 31 असून मला प्युबर पुण्या म्हणजे हायपिस वाईस याचा त्रास होत होता। तर मी लॉकडाऊन मध्ये सरांचे व्हिडिओ बघितले ऑनलाईन,
आणि मी पण सरांशी कॉन्टॅक्ट करून माझी ट्रीटमेंट 8 दिवसात मी या पद्धतीने व्यवस्थित झालेलो आहे. त्यासाठी मी एसएलपी संजय कुमार सरांना थँक्यू म्हणतो. थँक्यू व्हेरी मच सर. टेक्निकल टर्म हो गया तो मैं कहना चाहूंगा कि फीमेल की तरह वॉइस थी आपकी. फोन पे लोग मैडम कह देते थे ट्रीटमेंट से पहले. जी सर, मैं कभी भी मैं क्या फोन लाता था तो इधर लोग मला तिकडून हॅलो मॅडम असं बोलता होता म्हणून चिडत होते. आता काही तसं प्रकार घडणार नाही. त्याच्या पुढे माझा आवाज एकदम छान पैकी झालेला आहे. तर कुणाला असा त्रास होत असेल तर त्यांनी या बँगलोर येथील एसएलपी संजय कुमार डॉक्टर आहेत ते त्यांच्याशी संपर्क साधावा. ओके, थँक्यू की आपने हम पे भरोसा किया. तो क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए ट्रीटमेंट से पहले ट्रीटमेंट के बाद वाली जो भी वीडियोस हैं डिफरेंट सोशल मीडिया जैसे फेसबुक यूट्यूब और दूसरे जगहों पे यूज कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हो बिल्कुल. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग द परमिशन. एंड जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि गूगल सर्च में लिखिए या इवन यूट्यूब सर्च में भी लिख सकते हैं एसएलपी संजय कुमार वीडियो और आपको ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद के बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जो भी वॉइस और स्पीच प्रॉब्लम्स से लोग ग्रसित हैं. और उन वीडियोस को देखकर आपको बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत सारी उम्मीदें मिलेंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.